family, welcome back to my rainbow world. आज की जो मेरी वीडियो है वो है लिप प्लम्बर के बारे में. आज मैं इसके बारे में बताऊंगी गाइज आपको. ये है, सबसे पहले मैं इसका प्राइस बताऊंगी और प्रोडक्ट कौन से ब्रांड का है वो बताऊंगी. ये है NY Bay ब्रांड गाइज, एंड ये है लिपिंग ऑन ब्रॉडवे लिप प्लम्बर. ओके, एंड इसका प्राइस है 105, लेकिन पर्पल से ये आपको मिल जाता है 83 रुपीस में या 85 रुपीस में. ये कुछ इस तरह का होता है गाइस. और इसे मैं अभी अप्लाई करके नहीं बता सकती, लेकिन अपने हाथ पे बता दूंगी आपको अप्लाई करके. ये एकदम क्रीमी सा है, इसका कोई कलर नहीं है गाइस, मतलब ये स्किन कलर है और थोड़ा शाइन देता है. ये गाइस ये मदद करता है आपके लिप्स अगर बहुत छोटे हैं, पतले हैं, तो इसको बिग करने में मदद करता है. परमानेंट नहीं, टेम्प्ररी ये हेल्प करता है. जब आप लिप पे अप्लाई करो तो ये थोड़ा आपको, जैसे आप विक्स वगैरह अप्लाई करते हो ना, तो वैसे फील आएगा कि आपने विक्स वगैरह लगाया. थोड़ी हल्की सी ठंडी ठंडी जलन जैसे होगी, बहुत ज़्यादा नहीं. और आपके यहाँ पे ना, आप अगर दिन में 2-3 बार लगा रहे हो तो यहाँ पे आपको ऐसे फील होगा कि कुछ तो फील हो रहा है, क्योंकि मैंने ये एक बार अप्लाई किया है, तो मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए अप्लाई किया था. तो अगर जिसके भी लिप्स छोटे हैं तो वो ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. लेकिन बहुत ज़्यादा आप अगर आप सोच रहे हो क्या बहुत ज़्यादा आपके ब्रॉड हो जाएंगे, तो वैसे नहीं होंगे, बस हल्का सा फ़र्क होगा, दैट्स इट. एंड बहुत लोगों को पसंद होते हैं ब्रॉड लिप्स, मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है ब्रॉड लिप्स. बहुत लोगों को पसंद होते हैं गाइज, वो स्पेशली अपना इंजेक्शन वगैरह करवा के और ट्रीटमेंट करवा के लिप्स को ब्रॉड करते हैं. काफ़ी एक्ट्रेस को आपने देखा होगा अपने लिप्स को उन्होंने किया हुआ है ब्रॉड, तो बहुत लोगों को क्रेज चढ़ जाता है देखकर कि हमको भी वैसे करना है. तो आप अगर वैसे नहीं करवा सकते हो, और वैसे करवाना भी नहीं चाहिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी गाइस कि आप बिल्कुल भी वैसे मत करिए. वो इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो वो बिल्कुल मत करिए. ये अगर आपको चाहिए तो ये स्लाइट सा आपका जो लिप्स है वो थोड़ा सा ब्रॉड आपको फील करवाएगा, तो ये इसके लिए आप जा सकते हो. और ये बहुत रिजनेबल रेट में है. तो बस गाइस, मेरी ये जो वीडियो थी, शॉर्ट वीडियो थी, बस इसीलिए थी कि ये लिप प्लम्बर किस लिए यूज़ होता है. अगर बहुत लोग इसे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, अगर किसी को ऐसे लग रहा है क्या ये लिप को मॉइस्चराइज़ करता है, तो लिप को मॉइस्चराइज़ करता है, लेकिन अगर आपको आपके ऑलरेडी बिग साइज़ लिप्स है और आप लगा रहे हो तो बिल्कुल नहीं अच्छा है. वैसे देखिए, मैंने लगाया, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था. अभी नहीं लगाया मैंने, जबकि लिया था तब, परचेज़ किया तब लगाया था, मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ गाइस, क्या वो ब्रॉड हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ था. लेकिन वो है ना, ऐसे बार बार ऐसे फील हो रहा था यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे हरारत जैसी हो रही थी, बहुत इरिटेटिंग लग रहा था वो मुझे. और मैंने इतना फील नहीं किया क्योंकि मेरे ऑलरेडी ब्रॉड है लिप्स, तो मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लगी है. अगर कोई नॉर्मल है, मतलब जिनके लिप्स ज़्यादा नहीं दिखते हैं, अगर उनको रिक्वायर्ड है तो वो लगा सकते हैं, पर कुछ खास वर्क नहीं करेगा ये. बस इसके बारे में मेरा कंफ्यूजन है गाइज, ना थम्स अप है ना थम्स डाउन है, मतलब आप समझ लीजिए इक्वल है. ऐसे कुछ खास ये प्रोडक्ट नहीं है, जैसे प्राइस के हिसाब से तो अच्छा है, अदरवाइज इतना जितना किसी किसी को ब्रॉड चाहिए उतना नहीं होगा. तो आप जब भी ये परचेस कर रहे हो तो ये माइंड में रखिए कि आपके इतने ब्रॉड नहीं होंगे. अगर आप सोचोगे मेरा परफेक्ट शेप आ जाएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा. तो दैट्स इट गाइस. तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, ज़रूर बताइए. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.